हेलो ऑल, आई एम माई सेल्फ हरी मोहन राय फ्रॉम कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज। आई एम डूइंग वन माई पोस्ट प्रोजेक्ट ऑन ईसीजी डेटा प्रोसेसिंग। आई मीन आई हैव वन ईसीजी फाइल एंड आई हैव इट प्री प्रोसेस ऑलरेडी, एंड दिस आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट टू शो यू आउट हाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग। बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज़ डन बाई विद द हेल्प ऑफ यू नो न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस, एंड आई हैव लर्न सम मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्काई फाई लैब्स बिकॉज आई हैव डन कोर्सेज ऑन न्यूरल नेटवर्क यूजिंग पाइथन। सो मेनी ऑफ द पाइथन कॉन्सेप्ट आई हैव लर्न थ्रू दिस यूजिंग दिस स्काई फाई लैब्स एंड हेल्प ऑफ दैट एंड सर्फिंग एक्सप्लोरिंग सम अदर मटेरियल्स थ्रू नेट्स एंड ऑल एंड माई प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉट ऑफ डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट, न्यू नेटवर्क कॉन्सेप्ट, डिग्रेशंस एंड मेनी अदर थिंग्स। आई एम अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑन माई दिस प्रोजेक्ट्स। सो जस्ट स्टार्टिंग हियर, सो वट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट अपलोडिंग माई सी एस बी फाइल विच इज़ हैविंग लाइक ई सी जी डेटा हियर, एंड देन आई इम्पोर्ट सेवरल फाइल लाइक टेंसरफ्लो, इम्पोर्ट केराज, पांडाज एंड लाइक नमपाइज एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट बिकॉज आई अप्लाई सम लाइक केराज एंड सम डेंस फंक्शंस, मैट प्लॉट लिब एंड ऑल दो थिंग्स। देन हियर आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ एंड आई एम डूइंग सम आई एम रीडिंग दिस माई सी एस बी फाइल विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड हियर, एंड आफ्टर रीडिंग इट आउट जस्ट वॉन्टेड टू ट्रेन, आई मीन आई जस्ट सो माई क्लास वैल्यूज, आई मीन हाउ मेनी क्लास मीन्स माई टारगेट वैल्यू। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट टारगेट वैल्यू, द फाइव टाइप ऑफ टारगेट वैल्यू आई हैव गिवन इज आउट, एंड एवरी टारगेट वैल्यू हैज़ 100 डेटा इन इट, यानी 100 सैम्पल इन इट। एंड देन नाउ वट आई एम डूइंग जस्ट आई एम क्लासीफाइंग दिस टारगेट एज वेल एज माई ट्रेनिंग डेटा सेट। सो हियर एंड आई एम टेकिंग द हेल्प लाइक जस्ट आई हैव लर्न फ्रॉम स्काई फाई लैब लाइक एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, एंड दिस ट्रेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कमांड्स टू स्प्लिट माई डेटा सेट। एंड देन हियर आई एम चेकिंग इट आउट माई वाई ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट फाइव हेड इज नथिंग बट फॉर फर्स्ट फाइव वैल्यूज। सिमिलरली जस्ट आई एम चेकिंग इट आउट माई एक्स विच आई हैव ऑलरेडी स्प्लिटेड इन टू द ऑफ फर्स्ट फाइव वैल्यू, टेस्ट डेटा ऑफ फर्स्ट फाइव वैल्यू, टेस्ट आई मीन हेड आई एम टेकिंग जस्ट फर्स्ट टॉप फाइव वैल्यू बिकॉज आई हैव रैंडमली स्प्लिटेड, दैट्स वाई इट इज कमिंग इन रैंडम वे। देन माई टेस्टिंग डेटा सेट यानी कि वाई टेस्ट डेटा, वाई टेस्ट मीन्स द ट्रेनिंग सेट विच आई हैव ऑलरेडी स्प्लिटेड इट आउट, एंड यूजिंग फ्रॉम लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिकॉज आई हैव जस्ट लर्न फ्रॉम स्काई फाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑपरेशन। हियर आई एम अप्लाइंग दैट रिग्रेशन ऑपरेशन एंड यूजिंग दैट आई एम ट्राइंग टू जनरेटिंग दिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम द कॉन्सेप्ट हाउ टू जनरेट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड मेनी अदर रिसोर्सेज ऑल्सो आई हैव यूज इट आउट। एंड आफ्टर दिस वट आई एम गेटिंग इट आउट, देर आर जस्ट वन एरर विच आई एम गेटिंग आफ्टर प्लॉटिंग दिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एंड दिस इज माई ग्राफ रॉन्ग ऑथराइज एंड ट्रू टेबल्स, एंड दिस इज द नथिंग बट प्रिडिक्टेड वैल्यूज एंड दिस इज द ट्रू वैल्यूज, एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स विदाउट नॉर्मलाइजेशन आई हैव प्लॉटेड एट ऑल। नाउ वट आई डू, आई विल जस्ट नाउ आई विल यूज द न्यूरल नेटवर्क कमांड लाइक केराज एंड ऑल टू क्लासीफाई दिस इन टू द फाइव क्लास डेटा। हियर आई जस्ट हैव डन डिग्रेशन प्रॉब्लम्स एंड नाउ आई एम गोइंग गोइंग टू डू इट विद द सेम स्प्लिट कमांड, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कमांड। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई हियर दिस वन, यू कैन से Keras and tens functions here, and I just printed out how many data I have taken for train and test step. So here, because I have taken 20% of the test size, so 100 is the test sample and 400 is nothing but training sample. And this model is I'm just going to use here Kera model, Keras model, and which I have learned, and as well as TensorFlow. I am importing the layers. And here I am just using some three layers basically, and output is nothing but because I have to classify into five class, so that's why I am taking the five dense layers in the output side. So here I am learning this model, and now after this model, learning the model, I'll just train it out. So model fit, using model fit functions,
I am using model fit function. I'm going to train this, and after training, just here before training, just I'm trying to apply that what I have learned from Skyfy lab to know the timing. I mean, how much time it is taking to train this function, because I have taken 100 reposes and batches. I am making the 20 batches of each, so it is taking. You can see here 5.47 seconds, and the system is taking 34 milliseconds, in total 5.81 second. Here now I'm just print the history. That means what are the values I'm taking it up, because I've taken the loss function as well as accuracy and values, validation loss and validation accuracy. In terms of this, I'm just going to plot this. This one, and you can see that model accuracy, training accuracy is approximately nothing but 100%, but testing accuracy is a little bit 0.98%, because this one. And similarly, I'm just going to plot my this test accuracy, this one, and here testing accuracy is a little bit varying, but training accuracy is approximately nothing but zero. So this is from all my side. I have this project with the help of, by learning many concepts from Skyfy lab, and this is nothing but I'm going to submit it to the Skyfy lab. This one, thank you. That's it from my side.